हेलो गाइस, मैं सूरज राज और आज आपको लेके आए हैं एक बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए, जिसे हम केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर कहते हैं। और मैंने वैसे आपने थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि 10 क्वेश्चन ओनली आपको इंपॉर्टेंट्स हैं। जी हाँ, 2020 के एग्ज़ाम के लिए, यदि आप 2020 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता दूं, और आप जानते ही हैं, देखिए जो केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर होता है, जैसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। देखिए, फर्स्ट पेपर को इनऑर्गेनिक, सेकंड को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पहला पेपर होता है, याद रखना, यूपी का कितनी, मतलब कि आल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, यूपी की सभी यूनिवर्सिटी जो भी हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 10 क्वेश्चन आपको याद कर लेना, यहाँ से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। कितने? 7 से 8 एग्जाम बीएससी फर्स्ट ईयर वालों, याद रखना, सभी पेपरों के 10-10 क्वेश्चन देने वाला हूँ। देखिए, जो 19 मैंने जो आपको 19 क्वेश्चन दिए, उस क्वेश्चन से आपको 20, देखिए 85%, जी हाँ 85% यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो 19 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है 19 क्वेश्चन वाली वीडियो का, बीएससी बीए हाई स्कूल इंटर सभी के लिए, ठीक है ना। और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर देना। यदि आप नोट्स इसका आप डाउनलोड करना चाहते हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर के नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो नोट्स का मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, नोट्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इन क्वेश्चनों को बिल्कुल शॉर्ट में उस नोट्स में सब कुछ करा रखा है, नोट्स में एक एक क्वेश्चन हमारा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है 2020 के एग्जाम के लिए। जी हाँ, 20 के एग्जाम के लिए। तो चलो इन क्वेश्चनों पर टिक लगा लो, आपने मुझे बताया आपने बुक खोल ली होगी, नोट्स वगैरह कुछ भी है खोल लो फटाफट और नोट्स पे टिक लगा लो कि इसके अलावा। देखिए मैं आपको बता दूं, 19 क्वेश्चन वहां से 85% आ जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन क्या है जो 10 क्वेश्चन बता दो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इनको तो आपको रट लेना है, रट जिसे कहते हैं ना, रट लेना है, इन्हों रट लेना है, और जो भी वकाया रह जाएंगे वो भी पढ़ लेना है। लेकिन मैं 19 क्वेश्चन आप यदि याद कर लेते हैं तो 85% जाती है, और ये 8 क्वेश्चन याद कर लेते हैं लगभग, मैं आपको बता दूं 60% आपकी क्लियर हो जाती है, 60% यहाँ से क्लियर हो जाती है। तो रट लेना है इन क्वेश्चन को, तो पहले क्वेश्चन को टिक लगा लेना है। देखिए यहाँ, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे हम CO कहते हैं और ऑक्सीजन दे रखा है, या तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड पूछ लेगा या फिर ऑक्सीजन का आणविक कक्ष सिद्धांत पूछ लेगा। जी हाँ, जैसे आणविक कक्ष को हम मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं, मॉलिक्यूल MOT कहा जाता है, MOT कहते हैं, MOT थ्योरी में आरेख बनाकर आपको कहेगा कि आरेख सहित आपको ऑक्सीजन अणु की आणविक सिद्धांत को समझाना है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगा, कार्बन मोनो CO2 आ जाएगा, या फिर CO2 पूछ लेगा या CO पूछ लेगा, ठीक है ना। उसके बाद में पूछेगा कि उनका बॉन्ड ऑर्डर भी बताइए। जी हाँ, आपको बॉन्ड ऑर्डर भी बताना है, जिसे हम बंद कोटि कहते हैं, और बंद कोटि का जो मान निकल के आता है वो एंटी बॉन्डिंग माइनस बॉन्डिंग मॉलिक्यूल बटे 2 होता है। ये सूत्र द्वारा हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल का जो है बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं बड़ी आसानी से, तो इस सूत्र से निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना। उसके बाद आपको जो दूसरा क्वेश्चन याद करना है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, तो वो करना है आपको, देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो इफिनिटी होती है आपको वो देख लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले 2020 के एग्जाम के लिए। MOTT देखिए, MOT थ्योरी और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, देखिए BBT थ्योरी, ये दो ऐसी थ्योरी हैं जो आपके एग्जाम में 100% आती हैं, इनमें से आ जाएगा, या BBT थ्योरी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पूछ लेगा। इन दोनों थ्योरी को मैंने आपको इंपोर्टेंट दिया है, तो अभी तो देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और नीचे जाएंगे थोड़ा सा, और आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसे संयोजकता वंध सिद्धांत भी कहा जाता है हिंदी में, वो भी आपको देंगे, और इन्हें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को आणविक कक्ष सिद्धांत कहा जाता है हिंदी में, ठीक है ना। अब चलो यहाँ देखिए, उसके बाद में आपको ये क्वेश्चन याद करना पड़ेगा, सरणीकरण तरंग समीकरण। जी हाँ, सरणीकरण तरंग समीकरण आपको प्रॉब्लम आ रही है, याद करना नहीं हो पा रही है, याद बहुत दिक्कत हो रही है याद करने में, तो मैंने इसकी वीडियो भी बना दी है बहुत शॉर्ट में कैसे याद करेंगे। और इसका मैंने, यदि आप नोट्स, यदि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि आप नोट्स में देखते हैं बिल्कुल शॉर्ट में, पूरा नोट्स आपको मिल रहा है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही साथ आपको देखिए सरणीकरण तरंग समीकरण का निगमन के साथ साथ आपको यहाँ देखिए जो शाई और शाई स्क्वायर में आपको अंतर पूछा जाता है कि जो अभौगोलिक तथा क्या होते हैं उनके, वो आपको पूछा जाता है, तो ये दोनों देख लेना, शाई शाई में अंतर क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ यहाँ आपको बोरोन, जी हाँ बोरोन बनाने की विधि, बोरोन होता क्या है, बोरोजीन बनाने की विधि, देखिए बोरोन क्या होता है, बोरोजीन किस प्रकार से बनाई जाती है, गुणधर्म संरचना स्ट्रक्चर वर्ण, और साथ में देखिए बोरोजीन देखेंगे तो डाई बोरोन भी आपको याद करना पड़ेगा। देखिए बोरोजीन, बोरोन और डाई बोरोन ये एक ही वर्ड से रिलेटेड होते हैं, और इन तीनों क्वेश्चनों को जो यहां से जो आपको सिंपली यहां से एक क्वेश्चन क्लियर बन जाता है 2020 के एग्जाम में आ रहा है, आपको ये सोचकर ही याद करना है। और देखिए आप जब एग्जाम देने के बाद आप सोचोगे कि आप आगरा कानपुर यूनिवर्सिटी से हो, आगरा यूनिवर्सिटी से हो, जहाँ से, ठीक है ना, बुलंदशहर कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, आप दिक्कत नहीं होती, आप जो मैं बता रहा हूँ आप यूपी से रिलेटेड करते हैं, यूपी के कोई सी यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही रहने वाले हैं।
उसके बाद में आपको देखिए क्या करना है, जो मैंने 19 क्वेश्चन दिए वो आपको रट लेना है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। हाई स्कूल इंटर बीए बीएससी और बीकॉम वालों के लिए भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर में हम आपको कोशिश करेंगे कि बीकॉम एमए एमएससी और एमकॉम के लिए भी इंपोर्टेंट दें, ट्रिपल सी के लिए इंपोर्टेंट देते हैं, और साथ ही साथ जो जितने भी एग्जाम होते हैं बहुत मोस्ट और पॉलिटेक्निक के लिए हम इंपोर्टेंट देंगे आपको, साथ ही साथ हम आपको बताऊँ तो बीएड के लिए इंपोर्टेंट देंगे और बीटीसी के लिए इंपोर्टेंट देंगे। ये सारे एग्जाम जो बहुत ज़्यादा दिक्कत में स्टूडेंट हो जाते हैं उनके लिए हम पास कराने के लिए कुछ भी करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा वो करेगा हुंड के बहुलकता का नियम, आपको याद करना पड़ेगा, याद रखना हुंड का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है 2020 के एग्जाम के लिए जी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि बात की जाए तो आप जानते हैं इस क्वेश्चन पर टिक लगा लो, और मैंने जो 19 क्वेश्चन दिए उनमें से ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है बॉर्न हैवर साइकिल जी। हाँ, बॉर्न हैवर साइकिल इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही साथ आन्यन विभव किसे कहते हैं जी, हाँ आन्यन विभव क्या होता है ये भी आपको याद कर लेना है। आन्यन विभव मोस्ट इंपोर्टेंट, आप जब एग्जाम के बाद जब आओगे और देखोगे सच में कमाल हो गया यार, ठीक है ना, एग्जाम देने के बाद आप देखोगे सच में कमाल हो गया, जो कहा वो एक एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपका, ये हमारा वादा है आपसे, ठीक है ना। बहुत अच्छी परसेंटेज से आप पास हो जाओगे, आप 19 क्वेश्चनों को याद कर लेते हैं जो हमारी नीचे वीडियो है, और ये जो 10 क्वेश्चन की जो वीडियो बना रहा हूँ इससे आप 60% ले आते हैं, और जो 19 क्वेश्चन की वीडियो है उससे हम 85% ले आते हैं। तो आप जो जो अच्छी चाहते हो वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहते हो मेरी 60% ही बहुत है तो आप यही करिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं कुछ नहीं कहने वाला इस चीज़ में, आपको डिपेंड करता है कि 19 क्वेश्चन याद करने हैं या फिर ये 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ कह रहा है द्वैध्रव आघूर्ण जी, हाँ डव जो आपका द्वैध्रव आघूर्ण है, ठीक है ना, उसे देख लेना है, डिप्लो मोमेंट होता है उसको देख लेना है, द्वैध्रव आघूर्ण क्या होता है, और हाइड्रोजन बैंड इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2020 एग्जाम के लिए। ये देखिए जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार की होती है, दोनों प्रकार को आपको पूछ सकता है, एंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना, और एंट्रा और अंतरा हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं, एंट्रल और जो इंटरनॉल होता है और इंट्रल होता है, इन दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड को आपको देख लेना है, इनके उदाहरण सहित व्याख्या करनी पड़ेगी, पूरा आपको स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा, साथ ही साथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2020 के एग्जाम के लिए जी। हाँ, साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि ऋण विद्युत किसे कहते हैं, आपको बता दूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, मैं पहले भी यह चूत दे चुका हूं शायद, विद्युत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं आपको बता दूं, देखिए यहां जो दी थी मैंने वो बद्धता दी थी, इफिनिटी दी थी मैंने, इलेक्ट्रॉन इफिनिटी, और ये देखिए ये क्वेश्चन एक जरूर आएगा आपका, और देखिए यहाँ देखिए संक्रमण, संक्रमण किसे कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, टाइप क्या होता है, बीबीटी जो मैंने कहा था, बीबीटी जो बीबीटी थ्योरी होती है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कहा जाता है, ये आपके याद कर लेना, एमओटी थ्योरी, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है, एमओटी थ्योरी या बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब देखो आपको याद कर लेना है, ओके याद कर लेना इस क्वेश्चन को, याद रख लेना, आपको विद्युत ऋणता देख लेना है, संकरण देख लेनी है, प्रकार देख लेना है, संकरण जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कितने प्रकार के, एसपी संकरण, एसपी टू संकरण, एसपी थ्री संकरण, ये सब कुछ याद कर लेना है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी उनकी सीमाएं लिमिटेशन को याद कर लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं देखिए एग्जाम होते तुरंत आपको बताऊंगा कि जो जो मैंने कहा वो सारे के सारे आएंगे, सच्ची बता रहा हूँ, सारे के सारे आएंगे, आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम आपका बहुत मस्त जाएगा, सच में बहुत ही मस्त जाएगा, आप देख के हैरान रह जाओगे कि जो कहा वो सब कुछ आ गया जी। हाँ, और इसके बाद में देखो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना है वीडियो को, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना पड़ेगा, ये तो मेरी माननी पड़ेगी आपको, व्हाट्सअप, ट्विटर, फेसबुक, जो भी आप चलाते हो, इंस्टाग्राम जो भी चलाते हो, सब पे वीडियो को शेयर कर दो यार, सब पे शेयर कर दो फटाफट। उसके बाद में देखिए हाइड्रो जो आपका हाइड्रॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके वर्गीकरण क्लासिफिकेशन के लिए यूज कहां किया जाता है, प्रॉपर्टीज क्या होती है हाइड्रोक्साइड की वो आपको यहाँ बता देना है। साथ ही साथ देखिए अंतरा हेलोजन यौगिक होते हैं जिसे इंट्रा हेलोजन कंपाउंड्स कहा जाता है, उनके गुण और संरचना को आपको देखना पड़ेगा, साथ ही साथ उनके बनाने की मेकिंग द जो मॉड जो मेथड ऑफ मेकिंग मतलब कि यहाँ बनाने की विधि और स्ट्रक्चर को आपको जरूर देखना पड़ेगा, अंतरा हेलोजन यौगिक इंट्रा जो इंट्रा हेलोजन कंपाउंड्स कहा जाता है। साथ ही साथ आपको बता दूं नेक्स्ट क्वेश्चन वो होता है डी ब्रोंगली, जो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, डी ब्रोंगली समीकरण इज मोस्ट इंपोर्टेंट 2020 के एग्जाम के लिए। तो डी ब्रोंगली समीकरण क्या होती है, इलेक्ट्रॉन तरंग सिद्धांत क्या है, बैब जो केमिकल थ्योरीज होती है वो आपको देख लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2020 जी। हाँ, रट लो इन क्वेश्चनों को, इसके अलावा कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक के साथ शेयर का बटन दबा के दोस्तों को शेयर करना पड़ेगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल के आइकन को दबा दो ताकि लिटिल्स अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए भी दोस्तों टाटा बाय बाय, ठीक है ना।
और कोई प्रॉब्लम है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, देख सकते हैं सारी वीडियो 2019 में आने वाली, 2020 में आने वाली सारी वीडियो, हमने जो 2019 में आने वाली वीडियो दी थी वो सारी की सारी 2019 में आई थी। अब इसी प्रकार से हम आपको हर साल एक नई वीडियो के साथ आते हैं और अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए टाटा।